मूलों की प्रकृति पहचानना। अब हम कुछ उदाहरणों से वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति की पहचान करना सीखेंगे। उदाहरण 20। एक्स की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। हल, हमारे पास समीकरण है एक्स की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0। हम सबसे पहले इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ हमें ए का मान प्राप्त होगा ए बराबर 1, बी बराबर ऋण 4, उसी तरह से सी बराबर 4। अब हम जानते हैं कि विभेदक डी बराबर बी की घात 2 ऋण 4 ए सी में हम ए बी और सी का मान रखेंगे। तो डी बराबर होगा, बी के स्थान पे हम लिखेंगे बी का मान है ऋण 4, तो ऋण 4 की घात 2 कोष्टक के कोष्टक में लिखेंगे और घात लिखेंगे ऊपर ऋण 4। ए का मान हमारे पास है 1, तो गुणा 1, और 4 ए सी है तो गुणा सी का मान है हमारे पास 4। तो डी बराबर बराबर ऋण 4 गुणा ऋण 4 बराबर 16, ऋण 4 एकम 4 और 4 चौक 16। इस तरह से हमें विभेदक डी का मान 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह इस उदाहरण का हल है।